तो गाइस अभी मैं यहाँ से भाई इसका फर्स्ट गियर खींच करके देखता हूँ कितना जाती है। ये जा रही है भाई 32, सेकंड गियर में देखते हैं कितना जाएगी, 57। तो फिलहाल बाइक तो काफ़ी बढ़िया चल रही है, बस इसकी थोड़ी सी एक मतलब प्रॉब्लम लग रही है इसके अंदर जो है भाई, इसका हैंडल जो आगे से बबलिंग कर रहा है बहुत ही हल्का सा, मतलब सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड माय यूट्यूब चैनल। तो कहते हैं भाई आप लोग, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस अभी भाई मैं चला रहा हूँ हीरो की एक्सट्रीम 125R। सो गाइस मेरी बाइक जो भाई किसी के पास गई हुई है, तो भाई मेरे को ये हीरो एक्सट्रीम 125R मिली हुई है। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना भाई आप लोगों को इसका राइड रिव्यू दे दिया जाए कि भाई किस तरीके से बाइक चलने में है। सो गाइस मैं आप लोगों को भाई इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई अपनी अपन तो रेडर चलाते हैं, तो भाई उसके हिसाब से मतलब कैसी पावर फिगर है इसकी, मतलब कैसी पावर डिलीवर करती है ये, क्या ये रेडर के बराबर मतलब पावर आप लोगों को डिलीवर करती है नहीं करती। सो गाइस जैसा कि मतलब काफ़ी बढ़िया चल, वैसे बाइक चलने में तो काफ़ी बढ़िया है वैसे तो, मैं आई थिंक इसके अंदर भी 10 कुछ न्यूटन मीटर का HP की पावर आती है और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क, तो शायद मुझे अच्छे से भाई पता नहीं है, तो आप लोग भाई एक बार चेकआउट कर लेना गूगल से, तो मुझे तो भाई ये इतना मोटा मोटा पता है भाई इसका। सो गाइस मैं अब आप लोग बता दूं, तो गाइस ये जो भाई बाइक तो भाई काफ़ी मस्त है चलने के अंदर, बट एक दिक्कत कर रही है थोड़ी सी, मैंने अभी इसको खींचा था ना पीछे, तो भाई वीडियो बनाने से शुरू करने से पहले मैंने इसको भाई चला करके मतलब खींच कर देखा था किस तरीके से चलने में, तो इसका ना हल्का सा हैंडल जो आगे से बबलिंग करता है यार, बहुत हल्का सा बबलिंग करता है यार। सो गाइस यार अभी आप लोग इसका हीरो एक्सट्रीम 125 का लुक चेक कर सकते हो भाई। तो गाइस अभी आप लोग भाई इसका इस प्रोफाइल से भाई लुक चेक कर सकते हो किस तरीके से इसका लुक है। तो भाई मैं आप लोगों को इसका थोड़ा मोटा बता दूं भाई इसके अंदर क्या क्या मतलब इसके अंदर क्या क्या फीचर मिलते हैं हम लोगों को। सो गाइस इसके अंदर जो भाई फ्रंट में हम लोगों को ABS मिल जाता है देखने के लिए 125cc में, जो कि अपनी TVS Raider 125 नहीं है। तो भाई आगे से इसका फ्रंट से कुछ लुक इस तरीके से है। तो सो गाइस हम लोगों को इसके अंदर ना हमें जो इसके अंदर भाई यहाँ पे इसके DRL देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों साइड। तो अभी आप यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग दे रखी है भाई, और हमें इसके अंदर जो भाई LED इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कंपनी फिटेड है, और भाई इसको मैं पीछे से दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो गाइस इसके अंदर कुछ जो भाई कुछ इसका थोड़ा छोटा सा दिया हुआ है, और भाई इसके जो है एलॉय व्हील कुछ इस तरीके से है भाई इसका डिजाइन एलॉय व्हील का, और टायर साइज भाई सेम है शायद इसका। सो गाइस अभी हमें इसके अंदर भाई टायर मिल जाता है, वो हम मिल जाता है हमें 120/80/17 का टायर मिलता है भाई, और भाई इसकी बैक लाइट आप लोग देख सकते हो भाई पीछे से कुछ इस तरीके का लुक है इसका, और भाई इसके अंदर टायर अगर मिलता है सिंगल साइड टायर अगर आता है भाई इसका, और भाई आप लोग ये देख सकते हो भाई इसके अंदर ये वाला मतलब प्रोटेक्टर भी दिया हुआ है, जैसा लेडीज़ वगैरह बैठती हैं तो भाई उसके लिए प्रोटेक्टर दे रखा भाई इसका, तो मतलब साड़ी वगैरह मतलब ना जाए इसके अंदर, वो काफ़ी सेफ मतलब सेफ्टी के लिए दे रखा है इन लोगों ने। तो फिलहाल कुछ ये है भाई इसका लुक इस तरीके से अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R का। तो गाइस अभी मैं इसको थोड़ा चला करके इसका राइड रिव्यू देता हूँ आपको किस तरीके से भाई चलती है, और भाई चलाने में इसका एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है। तो भाई करते हैं वीडियो को शुरू, और मिलते हैं आपसे सीधा मोटो ब्लॉग सेटअप पे। तो अब मैं इसका भाई आपको मीटर कंसोल भी दिखा देता हूँ, तो भाई इसको बंद करके ऑन करके दिखाता हूँ। सो गाइस इस तरीके से कुछ इसका मीटर भाई शुरू होता है, तो अभी फोर्थ गियर में खड़ी हुई है भाई, ये है इसका RPM, यहाँ पे दिखाता टॉप स्पीड दिखाता भाई, इसका गियर इंडिकेटर पोजीशन, यहाँ पर टाइम दिखाता, यहाँ पर फ्यूल दिखाता, और भाई इसका ऑडोमीटर ये है। और बाकी अपना फ्यूल की भाई चेक लाइट मिल जाती है, इंजन चेक लाइट, और भाई स्टैंड, और भाई इसका देख सकते हैं आप इसके अंदर ABS की लाइट बिलिंग भी कर रही है, तो हमें इसके अंदर ABS भी देखने के लिए मिलता 125cc के अंदर, जो भाई जो कि ड्यूक 125 के अंदर आता बस सिंगल चैनल ABS, वो हमें इसके अंदर प्रोवाइड कर रही है कंपनी हीरो कंपनी। और भाई मैं इसकी रेडर की बात करूँ, तो भाई इसमें जो रेडर के अंदर हमें सिंगल चैनल ABS नहीं मिलता है, और भाई इसमें दोनों तरफ आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है, इसके अंदर भी भाई सेम ब्रेकिंग है, इसके अंदर भी भाई हमें जो है ब्रेकिंग देखने को मिलती है, आगे सिंगल डिस्क प्लस ABS, और पीछे भाई ड्रम ब्रेक मिलता है। सो गाइस अभी मैं आपको इसको राइड करके दिखाता हूँ भाई, मतलब राइड करके राइड भी देता हूँ भाई किस तरीके चलने में आई बाइक। चलो सो गाइस निकलते हैं यार यहाँ से अभी। सो गाइस अभी देखते हैं भाई चलाने में कैसी है, तो भाई मैं इसका थोड़ा देख लूँगा भाई फर्स्ट सेकंड गियर कितना जा रही है। तो गाइस अभी मैं यहाँ से भाई इसका फर्स्ट गियर खींच करके देखता हूँ कितना जाती है। ये जा रही है भाई 32, सेकंड गियर में देखते कितना जाएगी 57, और थर्ड गियर में देखता हूँ भाई कितना जा रही है 83, और भाई आई थिंक मतलब 100 तक टच कर देगी आराम से फोर्थ गियर में, और फिफ्थ गियर में भाई अराउंड 117 इसको मैंने चलाया है,
टॉप एंड मैंने अभी भाई मैंने पिछली वीडियो में ड्रैग रेस करी थी, तो भाई इसका टॉप एंड जो था वो 118 तक जा रही थी बड़े आराम से। मतलब इस पर 16 पे लिमिट रहता है, उसके बाद भी 16, 17, 18 तक जा रही थी बड़े आराम से। सो गाइस मतलब पावर तो काफ़ी बढ़िया है इसके अंदर भी भाई, जैसा मैं तब रेडर को खींचता हूँ उस तरीके से पावर नहीं है इसके अंदर जैसा मैं। क्या यार चूतिया पनती है। सो गाइस अभी भाई देख सकते हो आप भाई थ्रोटल वगैरह कुछ इस तरीके से है भाई इसका, और भाई अभी आप लोग मतलब अभी आप लोग स्विच देख लो भाई इसके कुछ इस तरीके से हैं। ये अपना भाई हजार्ड का हो गया, और भाई ये इंडिकेटर ये भाई कुछ इस तरीके से हैं। तो भाई चला करके देखते हैं कैसी चलने में है ये बाइक, कैसी चल रही है। तो फिलहाल बाइक तो काफ़ी बढ़िया चल रही है, बस इसकी थोड़ी सी एक मतलब प्रॉब्लम लग रही है इसके अंदर जो है भाई, इसका हैंडल जो आगे से बबलिंग कर रहा है बहुत ही हल्का सा, मतलब पता भी नहीं चलेगा आपको अगर राइड करोगे ना तो इतना पता नहीं चलेगा, मतलब अगर हम अगर डिटेल में जाएंगे ज़्यादा तभी पता चलेगा कि हाँ हैंडल बबलिंग कर रहा है। और मैंने इसका आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ गियर थर्ड तक गियर तो दिखा दिया भाई मैंने कि कितना जा रही है। तो फिलहाल इसके साथ अपनी ड्रैग रेस भी करके देखेंगे भाई पल्स उसकी, तो कहीं इसके साथ जो भाई ड्रैग रेस भी करके देखेंगे टीवीएस रेडर और पल्सर। देखो भाई कितना ज़्यादा बबलिंग कर रहा है, देखो मैंने इसको छोड़ दिया अभी आप लोग देख सकते हो भाई पूरा बबलिंग कर रहा है, मतलब ये ठीक नहीं है भाई कुछ, या तो इसके अंदर कमी है या इसी बाइक के अंदर कमी है, अभी दूसरी बाइक के अंदर भी हो सकती है, तो ये कुछ कह नहीं सकते कि भाई इसी के अंदर है दूसरी बाइक के अंदर भी है ये चीज़। तो फिलहाल अभी आप लोग देखो भाई मतलब बाइक तो भाई काफ़ी बढ़िया चल रही है, और भाई वाइब्रेशन भी कम है इसके अंदर, और भाई मतलब फील नहीं करा रही वाइब्रेशन, केवल टैंक के ऊपर जो है यहाँ पे जो मतलब फील करा रही है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो बाइक को। तो भाई वैसे तो काफ़ी अच्छी है भाई बाइक चलने में, मैंने फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ भाई मैं तो इसको, तो भाई ये तो काफ़ी बढ़िया लग रही है भाई बाइक चलने में। बाकी इसके अंदर देख सकते हो बबलिंग है भाई इसके अंदर थोड़ा सा इसके हैंडल में, तो अब इसके अंदर भी एलईडी लाइट्स वगैरह भी आती हैं, और तो आप इसका मीटर कंसोल देख सकते हो भाई थोड़ा छोटा सा है, मतलब कॉम्पैक्ट मीटर कंसोल है ज़्यादा, मतलब जो अपने काम की चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर हैं, बट थोड़ा कॉम्पैक्ट है भाई छोटा है बस थोड़ा सा ही। सो अभी हम लोग को जाना भाई पाकुड़े से, पाकुड़े की साइड हमें मुरादाबाद, तो हमें नीचे से यू टर्न लेना पड़ेगा। तो ये भाई सीधा दिल्ली जाएगा आपका रोड ही वाला, जिसको भी दिल्ली जाना है वो भाई जा सकता है दिल्ली बेफिक्र होकर के। तो फिलहाल अभी मैं चला रहा हूँ भाई हीरो की एक्सट्रीम 125 R, तो भाई सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया काम वर्क कर रहे हैं, मतलब इतना गन वो नहीं कर रहे हैं। सो गाइस ये है भाई 0 पॉइंट मुरादाबाद का। सो गाइस थोड़ा खींच लेते हैं यार बाइक को, वैसे तो भाई काफ़ी बढ़िया चल रही है यार। तो अगर भाई जो 125 cc में बाइक लेना चाहता है, अगर भाई जिसको फैमिली पर्पज से नहीं चाहिए, तो भाई आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं और काफ़ी बढ़िया पावर है भाई इसके हिसाब से, 125 cc के हिसाब से काफ़ी अच्छी पावर है इसके अंदर भी भाई। तो फिलहाल जिन लोगों का भाई जिन लोगों के पास है उन लोगों को पता भी होगा किस तरीके से चलती है, तो भैया आप लोग बताना जिनके पास भाई हीरो एक्सट्रीम 125 आ रहे तो मुझे बताना कि भाई उनकी बाइक का भी हैंडल बबलिंग करता है या नहीं करता, शायद इसी बाइक के अंदर प्रॉब्लम हो। तो फिलहाल अभी मुझे तो पता नहीं भाई, आप लोग ही बता सकते हो। तो गाइस अभी भाई देख सकते हो इसके सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको झटकों में भी चलाया भाई अभी, तो बैक वाला भी और भाई फ्रंट वाला भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़्यादा हार्ड हो, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है मतलब नॉर्मल है, बिल्कुल सही है भाई अपनी जगह। जी बाबू जी गाइस पेट्रोल भरा दिया भाई बाइक की बाइक में। गाइस ये था इसका भाई कुछ ऐसा राइड रिव्यू। तो गाइस करते हैं भाई इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे किसी न्यू ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।